अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ये मैंने नईम की शर्ट इस्त्री की है, आज ये वाली शर्ट पहनेंगे। और यहाँ मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ कि मैं आज बना रही हूँ बच्चों के लिए फ्राइज़ और साथ में नगेट्स। बस ये फ्राइज़ बन जाए तो फिर मैं नगेट्स बनाती हूँ। और हसन भी उठ गया है और आज रात को हम लोग जागते रहेंगे। देखिए हसन भी उठ गया, सबर में पहनाती हूँ, पहन लो। और अभी मैंने देखा मेरा मोबाइल ख़राब हो गया। हसन मैं भी रहूँ, मेरे मोबाइल को पता नहीं क्या हो गया है, इसकी स्क्रीन थोड़ी सी जो है ना ख़राब हो रही है। अब पता नहीं क्या बनेगा मेरे मोबाइल का, मुझे दूसरा लेना पड़ेगा। और रात को हम इतनी देर तक हम जागते रहे, रात को 3 बजे हम सोए, वो इस वजह से क्योंकि घर में इतने लालबेग आ गए थे कि समझ ही नहीं आ रहा था कि लालबेग आ कहाँ से रहे हैं। वो पता चला कि ये बाहर गटर में से आ रहे हैं लालबेग। अजान इधर आओ, ये लो अपनी पैंट उठाओ, चलो जाओ जल्दी से पहनो, तैयार हो। तो रात को फिर नईम भी जागते रहे, यहीं पे देखो बेल्ट होगा। अच्छा, तो रात में इतने लालबेग आ गए कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, कि मारते ही रहे नईम जो ना, बार बार मारते रहे। तो 10, 11, 12 लालबेग, कितने लालबेग मारे हैं, इधर आओ। इतने हमने रात को लालबेग मारे हैं। तोबा, तो चलो फिर अजान ये बंद करो, इधर ये बंद करो। रात को इतने लालबेग हम मारते रहे और फिर तंग आकर हम लोग सोए, जब बहुत ज़्यादा हमें नींद आई, वरना हमारा कोई इरादा नहीं हो रहा था सोने का, हम लोग तो लालबेग मारे ही जा रहे थे। और अभी जब सोकर उठे तो तब भी बहुत ज़्यादा लालबेग नज़र आए, वो भी हमने फिर मारा है। हसन के ऊपर चढ़े भी नहीं, हसन किसी के ऊपर भी नहीं चढ़े, मेरे ऊपर एक चढ़ा तो मैंने फ़ौरन जो ना एकदम से हाथ से अपने फेंका उसको नीचे और फिर पापा ने उसको मारा। यहाँ बच्चों का लंच तैयार हो गया है, ये अजान का और ये मानो का। और यहाँ मेरी चाय भी बन गई है, मैं इन लोगों को दूँगी चाय और बिस्किट। चलो आ जाओ, हटो अजान, नहीं वहाँ से बिस्किट उठा लो, वो रे ऊपर वहाँ ऊपर रख दिए थे मैंने। हाँ कल रात को नईम आए और फिर मानो के लिए नए जूते लेकर आए हैं, क्योंकि वो पहले वाले मानो को बहुत ज़्यादा लग रहे थे, तो अब ये साइज़ थोड़ा सा बड़ा भी लिया है और ये बाटा के लिए। पहले भी मैं तुम्हें बोल रही थी कि नईम ले लो, तुमने सुनी ही नहीं मेरी बात, अब देखो लेकर आना ही पड़ गया ना। अब ये मुझे लगे ना, देखना मैं पापा को क्या कह रही है मुझे अब अगर ये वाले भी अगर जूते लगे ना तो फिर देखना मैं पापा का कैसा दिमाग ख़राब करूँगी। इसको तो ले जाओ अजान, इसको तो नीचे उतारो। फ्रिज में जो जूस वाला दे दी इनको? नहीं दे देती, वहाँ से गर्म मिलेंगे क्या? चलो मैं दे देती हूँ, लंच के लिए ये लो। हाँ सुबह सुबह सुरमे दानी, अल्लाह हाफिज़ हसन, बाय बाय करो ना। ओहो आज तो कर दिया बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।
चलें जी, बच्चे चले गए हैं, अब चाय गरम करूं और हम भी नाश्ता करें। मुझे अपने मोबाइल का बड़ा अफसोस हो रहा है, नहीं कह रहे हैं इसकी स्क्रीन चली गई है और इसकी स्क्रीन अब नहीं डलेगी। देखो अब क्या करते हैं, दूसरा मोबाइल, ये वाला मोबाइल चेंज करती हूँ या स्क्रीन डलवाती हूँ। नहीं नहीं करना, जो भी करना। गर्म ही है, इतनी ठंडी तो नहीं है चाय। तो यहाँ हम करेंगे अपने लिए चाय गरम, बिस्किट नरम। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि खाने वाला बेशरम क्योंकि वो मैं खुद हो जाऊँगी फिर। यहाँ हम नाश्ता करने लगे हैं और नहीं, मेरा मोबाइल चेक करो ना यार, क्या हुआ ये देखो। स्क्रीन चली गई ना इसकी, स्क्रीन की दब लगी है। देखिए प्रोटेक्टर भी टूटा है यहाँ से, ये तो टूटा हुआ था पहले का, प्रोटेक्टर नहीं टूटा हुआ, ये नीचे से टूटा हुआ है ग्लास, मतलब ये स्क्रीन टूटी है। आओ आसान, पापा को बाय बाय करो। हाँ अल्लाह हाफिज बाय बाय हो रही है यहाँ पर बाय बाय करो ना इसे, आसान बाय बाय करो पापा को, जाना चलो आ जाओ अंदर। क्या हुआ अब तुम्हें, चलो आओ अंदर, उठो उठो आओ, आ जाओ आओ, मेरा शहजादा है ना, आओ जल्दी से आ जाओ आ जाओ। अरे वाह हसन तो बहुत अच्छा बच्चा है। ओ ये देखो एक और लाल बेगेरा, ये देखो हसन, ओह ये तो उठ के चलने शुरू हो गया। तो मैंने मारा दिए फिर भी उठ के चलने शुरू हो गया। यहाँ हम करेंगे लाइट्स ऑफ, चलो आओ। चलो 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 आ जाओ ऊपर, आ जाओ अपने बिस्तर पे, आओ बिस्तर पे आ जाओ चंदा, आ जाओ बिस्तर पे आ जाओ अपने, आओ नीनो को लाऊं अपने बेटे को मैं, नीनो को लाऊं अपने बेटे को मैं, हम चलो ऊपर आओ। अच्छा बच्चे हसन ऊपर आ गया, हसन बहुत अच्छा बच्चा है। गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा और हमने स्टैंड वाला पंखा भी बंद कर दिया, चलो खैर कोई बात नहीं, इसी पंखे में हम सो जाएंगे क्योंकि अब कमरा हमारा हो रहा है ठंडा। पसीना मुझे इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने पानी पिया, फिर चाय भी पी। आओ हसन आओ लेटे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ मेरा काका। तो मिलते हैं हम ब्रेक के बाद। हसन उठ गया है मगर इतना तंग किया हुआ है ना इस लड़के ने, बड़ा हमें तंग किया हुआ है, बड़ा तंग किया हुआ है इसने हमें, बड़ा खराब हो गया ये लड़का, ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। इसकी पिटाइयाँ लगाने वाली हुई हुई हैं, पिटाई लगेगी इस गंदे की, चार दंदी वाला बकरा। चलो लाइट जलाएं। हाँ ये क्या है, ये रात को भैया ने इधर बैठ के बीज खाए थे ना, उसी का कचरा आ गया। ये गंदे हो आप भी, गंदे हो आपका भैया भी गंदा है। चलो जल्दी से काम करें, काम ख़त्म करें।
लाइट जल गई। चलो जी काम ख़त्म करें जल्दी से, बहुत ज़्यादा कचरा हो रहा है पूरे घर में। काम करें, चलो उठाओ मेरे साथ काम कराओ। अब मैं नई की गली शर्ट्स वगैरह रखूँगी अलमारी में, कचरा बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये वाली सारी शर्ट मुझे रखनी है अलमारी में। यहाँ मुझे जमाइयाँ भी आना शुरू हो गई हैं। हैंगर करके अगर आप धोकर हैंगर कर लो तो जब इस्त्री करते हैं ना तो उस वक्त काफ़ी आसानी हो जाती है। सीधे सीधे होते हैं, बस हल्का सा पानी मारा और प्रेस कर लिया। तो इसलिए मैं ये हैंगर भी कर लेती हूँ साथ में, और फिर इस्त्री करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। मगर इस जगह बहुत कम है मेरे पास और शर्ट्स ज़्यादा हैं। अगर मैं इस्त्री करके रखूं तो ये है कि काफ़ी सलवटें भी इसमें पड़ जाती हैं। मगर मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हटा के ना फिर मैं इनकी शर्ट्स ही इस्त्री करके रख दूँ, क्योंकि अब मानों को तैयार करना होता है तो मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि मैं सुबह के वक्त इस्त्री करूँ, तो पहले से ही कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। एक्स्ट्रा इतना कचरा है, इतना कचरा है कि तौबा। कोई रात को रेड धुले हुए कपड़े झूले में फेंक दिए, कहते हैं इतने कपड़े जमा किए हैं तुमने धो के यहाँ पर। और ये देखो ये अभी भी एक कॉकरोच है मगर ये मरा हुआ है। तो ये जो सा टब खाली हुआ है मैं इसमें सारे धुले हुए कपड़े रखूँगी। अपना अबाया तो नहीं रखने लगी क्योंकि कहीं आना जाना, हाँ बल्कि अजान मानों को लेने के लिए मैंने जाना है तो अबाया नहीं रखूँगी, अबाया बाहर ही रखूँगी वरना फिर निकालने में काफ़ी मुझे परेशानी होगी। तो हम ये सारे कपड़े स्टफ में जमा करेंगे धुले हुए। ये एक येलो दुपट्टा एक्स्ट्रा है, बाकी ये वाला मेरे बुरखे का है। सारी सफाई हो गई है, शुक्र है कि सारा काम हो गया, सफाई सब हो गई। और यहाँ हसन साहब बैठे हुए गली में दरवाज़े में बैठ के बाहर के नज़ारे कर रहे हैं। इस कमरे का भी मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया है। और यहाँ मेरे बर्तन भी धुल गए हैं और अब मैं हसन को खिला रही हूँ इसका खाना, जो कि ये मेरे से छुपता फिर रहा है और भागता फिर रहा है। चलो आओ अंदर आओ खाना खाएं। चलो मैं इसके पीछे पीछे चम्मच लेके जाती हूँ, पता है आप लोगों को बहुत तंग करता है ये खाना खाने के मामले में मुझे। ये लो हसन खा लो। ओए बुढ़िया आ जाएगी वरना, ये देखो ये किस कोने में घुसने की कोशिश कर रहा है, कहीं जैसे यहाँ पे घुसेगा और बच जाएगा मुझसे, है ना। चलो 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 जल्दी से खा लो हसन। ये देखो ओ बुढ़ी आई, अल्लाह बाबा आ जाओ, हसन तंग कर रहा है मुझे अल्लाह बाबा। वो देखो ओई वो देखो चिड़िया आ गई, ओ पंखे में आ गई पंखे में। ये देखो ऊपर देखो ऊपर देखो ऊपर देखो पंखे में चिड़िया आ गई। ऐसे ये तरीके इसको खाना खिलाने के, इतना तंग करता है ये खाना खाते हुए। ये बड़ा ही ख़राब लड़का है, तंग कर करके फिर ये खाता है कुछ। अल्लाह हाफिज़।
बच्चे आ गए हैं मदरसे से और मैंने बनाई है आज साबुत मसूर की दाल और साथ में बनाए हैं चावल। ओह माय गॉड, चावल कैसे खड़े खड़े से बने, बिल्कुल घास की तरह घास ऐसा लग रहा है जैसे घास है वाकई। ए ये देख इधर आओ, चावलों की शक्ल देख आके जल्दी से। मैं शाम को कैसा खड़ा चावल बना है, बिल्कुल इतना जबरदस्त लग रहा है। जल्दी करो मानो, पहनो। कहाँ है आपकी चप्पल? आज मौसम बहुत सुहाना हो रहा है, सुहाना। अच्छा गाइस को दिखाओ ना गाइस। चलो मानो, ये मेरी बेटी, एक मेरी कुकरी, ए मेरी पास। चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो, आसान हटो। अजान इसका हाथ पकड़ के लेके जाओ मानो का। अल्लाह हाफिज। हसन हसन आओ अंदर चले, हम आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हसन बहू कहाँ है? अरे अल्लाह, ये बहू आ गया हमारे घर में। बहू आया है, आई बहू आया। हसन को आज मैंने सही से डरा के रखा हुआ है, कुछ नहीं खाता मैं, फ़ौरन इसी को दिखाती हूँ तो फ़ौरन खाने शुरू हो जाता है। और अजान को ये नया एक गेम मिला हुआ है मेरे बचपन का। अजान ये आपको किसने सिखाया है? मामू ने, आपके भाई ने। नहीं पहले आपको किसने बताया था ये धागे वाला? कौन सी आंटी ने? तो आज मेरा भाई आया हुआ था, उनके साथ ये लगा रहा कि खेलने में लगा रहा, और ये हमें एक नई चीज़ आज मिल गई है। ये मानो के पर्स के साथ उतरा है, छोटा सा भालू सा। मानो ने इसकी आंखें पहले ही उतार के फेंक दी थी और अब ये हसन इससे डर रहा है। तो अच्छी बात है कि ये एक चीज़ होनी चाहिए डर के लिए भी, क्योंकि इस लड़के ने हमें बड़ा तंग करके रखा हुआ था। तो अब मैं से इसी से डरा के जो है ना खाना खिलाया मैंने। हसन कहाँ है बहू? ये अरे अल्लाह, बहू काट लेगा काट लेगा, बहू काट लेगा, इसके पास नहीं जाना। अगर खाना नहीं खाओगे ना तो ये बहू आपको काटेगा। अच्छा चलो इसी बहाने कम से कम हसन को कुछ तो डर लगा। आज के बाद ना हम लोग हसन को इसी से डरा के रखेंगे। नहीं कर मानो, मानो नहीं करो, ये बहू तुम्हें काट लेगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय। और टाइम भी अब काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 10 बजने वाले हैं। बच्चों को सुलाऊंगी मैं 10 बजे, इन लोगों को लेके लेट जाती हूँ तो ये 10:30 तक सो जाते हैं, क्योंकि सुबह स्कूल जाना होगा इन्हें। और हसन तो अभी सोकर उठा है थोड़ी देर पहले, और खाना नहीं खा रहा था इसलिए हमने इसे फिर से इससे डराया, तो इसने खाना खा लिया। बाकी अब देखो क्या होता है, हसन साहब के साथ कितने दिन तक ये डर रहता है और कितने दिन तक मैं इसे सुकून से खाना खिला पाऊंगी। अब ये सोएगा नहीं ना, इसको ये क्या हुआ क्या हुआ? फिर इसको क्या बात है? बहू, अच्छा दिखा रहा है आप लोगों को भी के ये देखो बहू। हटो मानो आगे से हटो, आपको बहू काट लेगा वरना। हाँ आज ये दिन में सो भी नहीं रहा था तो इसी से इसको डराया है, तो ये फौरन सो गया। अभी भी इसके लिए एक नया खेल है ये बस आज हमारे घर में। हसन बहू आ जाएगा, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बहू आ जाएगा, बहू आ जाएगा, बैठ जाओ। और टाइम भी अब काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 10 बजने वाले हैं। बच्चों को सुलाऊंगी मैं 10 बजे, इन लोगों को लेके लेट जाती हूँ तो ये 10:30 तक सो जाते हैं, क्योंकि सुबह स्कूल जाना होगा इन्हें। और हसन तो अभी सोकर उठा है थोड़ी देर पहले, और खाना नहीं खा रहा था इसलिए हमने इसे फिर से डराया, तो
तो इसने खाना खा लिया। बाकी अब देखो क्या होता है, हसान साहब के साथ कितने दिन तक ये डर रहता है, कितने दिन तक मैं इसे सुकून से खाना खिला पाऊंगी। अब ये सोएगा नहीं ना, इसको ये क्या हुआ क्या हुआ फिर इसको क्या बात है। बहू अच्छा दिखा रहा है आप लोगों को भी, क्या ये देखो बहू, हटो मानो आगे से हटो, आपको बहू काट लेगा वरना। ये सोएगा नहीं ना, इसको इससे ही डराना ये। हाँ आज ये दिन में सो भी नहीं रहा था तो इसी से इसको डराया है तो ये फौरन सो गया। अभी भी इसके लिए एक नया खेल है ये बस आज हमारे घर में। हसन बहू आ जाएगा, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बहू आ जाएगा, बहू आ जाएगा, बैठ जाओ। अब नीनो करें, इन बच्चों को बिस्तरा करके देती हूँ और इनको सुलाती हूँ। नहीं करो हसन, लग रही है बेटा, नहीं करो बुरी बात, बुरी बात। बहू बहू ये देखो हसन तंग कर रहा, बहू जल्दी से इधर आ जाओ मेरे पास। और यहाँ बच्चों ने डोरीमोन भी लगाए हुए और ये अजान साहब फिर से लग गए हैं इसी काम में। नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा, कब से मैं भी इसके साथ ही इसके साथ लगी हुई थी तो चलें थोड़ा सा। अच्छा मैं भी करती हूँ ना, खेलती हूँ आपके साथ थोड़ा सा। ये मम्मी मैं भी आपके साथ खेलूंगी। ठीक है, गेरा मारा भाऊ आज का भाऊ, बहू गंदा कितना हो रहा है। हसन कहाँ था बहू, कहाँ है बहू, बहू हुई बहू आया हुआ हमारे घर में तो भाई आज कहाँ है बहू। बन गया बन गया, जान का बन गया। तो इसके साथ ही आज का और हमारा साथ यहाँ तक था, कल मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों की ढेर सारी दुआओं के साथ। ये हमारी अपना ख्याल रखिएगा, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज, थैंक यू, बाय 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 बाय, अल्लाह हाफिज।